नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार के अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत। बिहार के सभी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत वैसे उपभोक्ता जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक अपना बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और बिल की राशि अधिक हो गई है, उन उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनी अब किश्त में बिल भुगतान की सुविधा बहाल कर चुकी है, जिसमें कुल मिलाकर 3 किश्त की सुविधा दी गई है। प्रति किश्त पहली किश्त में बिल की राशि का 35% और बाकी 65% राशि दूसरे और किश्त में जमा करनी होगी। ध्यान रहे, उपभोक्ताओं को इस किश्त वाली सुविधा का लाभ 31 जनवरी तक ही मिलने वाला है। 31 जनवरी के बाद आपको यह सुविधा नहीं मिलने वाली है। इतना ही नहीं, बिजली कंपनी ने यह भी नियम जारी कर दिया है कि वैसे उपभोक्ता जो समय पर किश्त जमा नहीं करते, उनका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। बिहार के लोगों को मिलेगा सीरम का टीका। बिहार में 16 जनवरी से टीकाकरण का काम शुरू होने वाला है। वहीं बिहार के लोगों को मिलने वाले टीके का खुलासा अब किया गया है, जिसके बाद अब बिहार के लोगों को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से निर्मित कोरोना टीका कोविशील्ड लगाया जाएगा, जिसका निर्णय केंद्रीय मंत्रालय के निर्देश पर जारी किया गया है। देश में कोरोना के इलाज के लिए 2 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी थी। इन 2 टीके में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का नाम शामिल है। आपको बता दें, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का भारतीय संस्करण है, जबकि कोवैक्सीन पूरी तरह भारत की अपनी वैक्सीन है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की तरफ से कोरोना के टीके कोविशील्ड का निर्माण किया जा रहा है। आज से शुरू हुई मौलवी और फोकानिया की परीक्षा। कोरोना के माहौल के बीच बिहार में आज से मौलवी यानी कि 12वीं और फोकानिया यानी कि 10वीं की परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद समूचे बिहार में आज से 16 जनवरी तक 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद आज से शुरू हुए इस परीक्षा में कुल मिलाकर 210,163 छात्र शामिल होंगे। बिहार में फोकानिया और मौलवी की परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की गई है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:45 पर शुरू हो गई है, जो कि दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। वहीं दूसरी पाली 1:45 से शाम 5 बजे तक जारी रही। बिहार में आज से स्कूल कॉलेज में कोरोना संक्रमण के रैंडम जांच हुई शुरू। बिहार में कोरोना के इस माहौल में स्कूल कॉलेज को दोबारा से खोल दिया गया है। वहीं स्कूल कॉलेज खुलने के साथ ही कोरोना के मामले भी सामने आए हैं, जिसके बाद शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से बिहार के सभी स्कूल कॉलेज में रैंडम जांच शुरू करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को कोरोना के रैंडम जांच कराने का निर्देश जारी कर दिया है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर एनसी प्रसाद ने अपना बयान जारी कर बताया है कि रैंडम जांच के आधार पर शिक्षण संस्थानों में कोरोना संक्रमितों की पहचान की जाएगी। बिहार विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर चुनाव के लिए आज से शुरू होंगे नामांकन। कोरोना के माहौल के बीच बिहार विधान परिषद के सुशील मोदी और विनोद नारायण झा के परिषद सदस्य की सीट खाली होने के बाद 2 खाली सीटों पर चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज से 18 जनवरी तक प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में नामांकन होगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की छटनी का काम किया जाना है, जिसके बाद 21 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, 2 सीटों पर चुनाव 28 जनवरी की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाला है। इसी दिन मतगणना भी करवाई जाएगी। बिहार के मंत्री ने झारखंड में सरकार गिरने का किया दावा। जहां एक तरफ विपक्ष बार बार बिहार में सरकार गिरने का दावा करते आया है, इसी क्रम में अब बिहार के ही एक मंत्री ने झारखंड की सरकार गिरने की बात कह दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के कृषि उद्योग एवं गन्ना मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि झारखंड की वर्तमान सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। कुछ ही दिनों में यह सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इस सरकार से न तो जनता खुश है और न ही गठबंधन में शामिल दलों के नेता और मंत्री। गठबंधन दल के कई नेता मंत्रियों को लग रहा है कि अगर इसी दल के टिकट से इसके बाद के चुनाव में जनता के पास गए तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वे दल बदलना चाहते हैं और सरकार गिरने का यही कारण होगा। जदयू के नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देने वालों का लगा तांता। बीते दिन बिहार प्रदेश जदयू के कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले ने सबको हैरान कर दिया था, जिसके बाद कार्यकारिणी की बैठक में अचानक से महनार के पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत करते हुए झाझा के विधायक और पूर्व मंत्री दामोदर रावत और जदयू के जिला महासचिव पंकज कुमार सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि युवा साथी के नेतृत्व में संगठन को और मजबूती मिलेगी। झाझा विधायक ने कहा कि उमेश कुशवाहा महनार से पूर्व विधायक रह चुके हैं और युवा हैं, इसलिए पूरे जोश के साथ पूरे बिहार में संगठन को मजबूती प्रदान करने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। रावत ने खरमास बाद एनडीए सरकार के फिर गिरने की कही बात। विपक्ष लगातार एनडीए सरकार के गिरने की बात कहता आया है। इसी क्रम में रावत ने एक बार फिर से एनडीए सरकार के जल्द
ही गिरने की बात कही है, जिसके तहत राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है और कहा है कि भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव द्वारा खरमास के बाद राजद को लेकर जो चेतावनी दी गई है उससे राजद का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। राजद इससे नहीं डरता। भाजपा नेता के बयान पर पलटवार करते हुए मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि खरमास के बाद बिहार की एनडीए सरकार नहीं बचने वाली है। कहा कि 19 लाख रोजगार और बिहार में विधि व्यवस्था सुधारने को लेकर भाजपा क्यों नहीं बात करती। बिहार पंचायत चुनाव को भाजपा ने बनाया अहम एजेंडा। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो पंचायत चुनाव मार्च से मई के बीच में होने वाला है। इस बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राजगीर में हुए भाजपा के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में पंचायत चुनाव की भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरने का इरादा बना रहे भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को भाजपा संगठन की तरफ से सहयोग देने की सलाह भी दी गई है। यह सलाह पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दी है। राजगीर में संपन्न हुए भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी में टॉप टू बॉटम का संदेश दिया है। ममता बनर्जी पर बरसे गिरिराज सिंह। भाजपा के नेता गिरिराज सिंह अब ममता बनर्जी पर निशाना साधते नजर आए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के रहते बंगाल में सारे संगठन फल फूल रहे हैं, चाहे वो अलकायदा जैसे संगठन हो या रोहिंग्या, जिससे राज्य में वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हो कि मेरे रहते हुए कोई घुसपैठियों को नहीं हटाएगा। उस राज्य में आज केवल अगर वहां प्रोत्साहन मिल रहा है तो एक वर्ग को मिल रहा है। वहां सबसे ज्यादा प्रभावित हिंदू समाज ही है। वहां की सरकार ने राज्य के विकास को लेकर काम नहीं किया है और ना ही वहां के लोगों के हित में काम कर रही है। बस वोट के लिए ममता बनर्जी बंगाल को तबाह करने में जुटी हुई है। राजद ने विधायकों और विधान पार्षदों को पार्टी फंड में 2.5 गुना ज्यादा पैसा देने का जारी किया आदेश। राजद प्रदेश के सभी 11 बड़े शहरों और प्रमंडलीय मुख्यालय पर अत्याधुनिक स्थायी पार्टी दफ्तर खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए वो भवन और उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का फैसला भी लिया जा चुका है। हालांकि इसके लिए पैसों की भी काफी ज्यादा जरूरत होने वाली है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने ही विधायकों एवं विधान पार्षदों के अंशदान का इस्तेमाल करेगा। पार्टी ने इस जरूरत के मद्देनजर पार्टी के अंशदान को पहले से 2.5 गुना अधिक बढ़ा दिया है। जानकारों की माने तो पहले विधायकों और विधान पार्षदों को हर महीने 4,000 रूपए पार्टी फंड में बतौर अंशदान के रूप में देना होता था, लेकिन 2.5 गुना बढ़ाकर इसे 10,000 हर महीने कर दिया गया है। वैक्सीन को लेकर तेज प्रताप अखिलेश यादव के बयान पर सुशील मोदी ने साधा निशाना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह सांसद सुशील मोदी ने हाल ही में वैक्सीन को लेकर की जा रही बयानबाजी पर 2 टूक बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन ट्वीट जारी करते हुए कहा है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट में विकसित स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर गर्व करने के बजाय संदेह पैदा कर राजद कांग्रेस के राजकुमार वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हुए हैं, उसे दुनिया मांग रही है। सुशील मोदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम बेशक ऐसा कोई टीका नहीं बना पाए जो शशि थरूर, अखिलेश यादव, तेज प्रताप यादव और कट्टरपंथियों का शक दूर कर सके। भारतीय खिलाड़ियों पर की गई नस्ली टिप्पणी को लेकर सचिन ने जताया अफसोस। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में खेला गया। टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने दर्शकों की तरफ से अपशब्द कहे जाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई दर्शक एक बार मोहम्मद सिराज पर नस्ल भेदी टिप्पणी करते देखे गए, जिस पर विराट कोहली और हरभजन सिंह के बाद अब सचिन तेंदुलकर ने अपनी नाराजगी जताई है, जिसके तहत ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स का मतलब हमको जोड़ना है, न कि हमको अलग करना। क्रिकेट कभी भेदभाव नहीं करता। बल्ला और गेंद टैलेंट पहचानता है उस इंसान का जिसने उसको पकड़ा होता है, न रेस, रंग, धर्म और न ही राष्ट्रीयता। जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं उनके लिए स्पोर्टिंग एरेना में कोई जगह नहीं है। बेघर होने के बाद जैस्मिन भसीन ने लिखा इमोशनल पोस्ट। रविवार को जैस्मिन भसीन शो बिग बॉस 14 से एलिमिनेट हो गई हैं। इस दौरान सलमान खान बहुत इमोशनल हो गए, वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं इस दौरान अली गोनी भी बहुत भावुक दिखे, जिसके बाद घर से बाहर आते ही जैस्मिन भसीन ने अपने सभी फैंस के लिए इमोशनल पोस्ट साझा किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि बिग बॉस में अच्छे और बुरे हालात के वक्त जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। मेरे अच्छे और बुरे दिनों में फैंस ने जितना मुझे प्यार और सपोर्ट किया, उसे देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। आप लोगों के प्यार ने मेरी इस जर्नी को आसान बनाया। मैं आप लोगों के मेरे जीवन में होने के लिए बहुत आभारी हूं। मैं आप लोगों के सपोर्ट के बिना यह नहीं कर पाती। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार विपक्षी दलों की तरफ से वैक्सीन को लेकर की जा रही बयानबाजी कितनी सही है कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।